रहा था कि भाई जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज लाइक अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स नॉट द सेम। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी याद हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये हुआ करता था कि मैं आपको एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स दिया करता था। सही है, मैं यहाँ पे लिख भी देखता हूँ। फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे कि यानी आप जो है वो 10 पेन सिलेक्ट करें, उसमें से आप कितनी दफा सक्सेसफुल है, कितनी दफा नॉट सक्सेसफुल है, वो फिर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई 5 रेड पेन ढूंढो या 3 रेड पेन ढूंढो। सही है, हाउ इज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट? सही है, थियोरेटिकली इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इन्फिनिट। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इन्फिनिट थियोरेटिकली एटलीस्ट। मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली वो जो है वो क्यों होल्ड नहीं करता। सही है, एंड एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। बट होता ये है कि आप जी ट्राई करते रहते हैं एंड द फर्स्ट टाइम दैट यू आर सक्सेसफुल यू स्टॉप। सही है, तो यानी इसमें सक्सेस जो होता है वो एक ही दफा हो सकता है। बाइनोमियल में आप क्या कहते थे, बाइनोमियल की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो आप इस तरह निकालते थे, यानी देर कुड बी आर टाइम्स दैट यू कुड बी सक्सेसफुल। सही है, देर कुड बी आर टाइम्स, कभी NC2 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कभी NC5 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सो ऑन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं होता। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पहले दिखा दूं तो वो ये कहता है कि अगर आपने जो है वो आर टर्न पे सक्सेसफुल होना है तो आप जो है वो R-1 टाइम्स अनसक्सेसफुल रहेंगे और फिर आप एक दफा जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसे ही आप पहली दफा सक्सेसफुल होते हैं गेम खत्म हो जाती है। सही है, व्हाट इज द मोस्ट क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ इज वेल इज प्लेइंग लूडो। सही है, लूडो में आपकी टर्न तब स्टार्ट होती है, आप मूव करना तब स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे जब 6 आ जाता है। सही है, सो गेटिंग द फर्स्ट 6, द टर्न्स दैट यू डू अप टिल यू गेट द फर्स्ट 6 इज टेक्निकली अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई आप ट्राई करते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, जैसे ही 6 आता है आपकी गेम स्टार्ट हो जाती है। सही है, सो दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई यू स्टॉप व्हेन यू हैव योर फर्स्ट 6। सही है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विच आई वॉन्ट टू शो यू विद अ क्वेश्चन ओनली, मैं वो वर्बली भी बता सकता हूँ, बट लेट मी जस्ट शो यू विद अ क्वेश्चन। Just give me a moment. यहाँ पे एक टैक्सी वाला सवाल है, आई वांट टू शो यू दैट। हाँ ये देखो, इट्स कमिंग अप। ओके, दिस इज कार्मेन वांट्स टू टेक अ टैक्सी वेयर शी इज 5% ऑफ द व्हीकल्स आर टैक्सी, यानी उसके सामने से व्हीकल्स गुजर रहे हैं। X is the number of vehicles that she sees up to and including when she sees a taxi. तो यानी जब वो गाड़ियां देख रही होगी वो किस गाड़ी को वेव करेगी, वो एक टैक्सी को वेव करेगी। सही है, सो द फर्स्ट वेव फॉर अ टैक्सी फिनिशेस द गेम। सही है, अब हमारे यहाँ का हिसाब अलग होता है, बट इन द यूएस व्हाट यू सी इज कि भाई आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो टैक्सी को रोकते हैं और बैठ जाते हैं उसके अंदर। सो एज सून एज यू सी द फर्स्ट टैक्सी यू सिट एंड गो। ओके, सो Seeing the first taxi, all those cars that you saw up till the first ta taxi can be modeled by a geometric distribution. सही है? यहाँ पे ये सारी कहानी मैंने लिखी हुई है, you can read that later on. यहाँ पे उसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये कहता है discrete random variable x, a discrete random variable x is said to have a geometric distribution and is defined by its parameter p. सही है, पी क्या होता है, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। द रिपीटेड ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी आप जो है वो एक ट्रायल दूसरे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। द रिपीटेड ट्रायल्स कैन बी एन इनफिनिट नंबर, आप वहां पे खड़े रहे, टैक्सी जा ही नहीं रही, स्ट्राइक हुई हुई है, सो यू वुड टेक्निकली हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ कार्स दैट यू सी In order to find a taxi, there's just two possible outcomes for each trial. कि या तो आप फेल हो सकते हैं या सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी वो टैक्सी होगी या वो टैक्सी नहीं होगी, या वो 6 आता है या 6 नहीं आता। The probability of success in each trial P is constant. This again is very important कि भाई
हर दफा सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहे, आपका डाइस जो है वो आपका डाइस जो है वो अनफेयर नहीं है, वो फेयर डाई है। ओके ओके, ये सारी वही बातें लिखी हुई है। जब इसको मॉडल करते हैं तो इस तरह लिखते हैं, ओके, कि एक्स इज मॉडल बाय जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी, अब यहाँ पे अक्सर जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो होता है कि आर क्या चीज है, सही। अभी ये थोड़ी देर में समझ आएगा कि आर क्या चीज है, सही। इसका फॉर्मूला बनता है क्यू पावर आर पाई आर माइनस वन, और मैं हमेशा यहाँ पे सिर्फ पी नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ पी पावर वन, जस्ट टू शो यू कि मैं पहला सक्सेस जैसे ही मेरा आता है मैं रुक जाता हूँ। द सक्सेस कैन ओनली बी वन टाइम, सही है। अच्छा, ये कुछ दो डिराइव्ड फॉर्मूलाज हैं, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर देम एज इट इज। ऑनेस्टली आई बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, बट आई स्टिल डोंट रिमेंबर देम। मुझे हर दफा याद करने पड़ते हैं जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो सही है। ये दो डिराइव्ड आइडियाज हैं, देर नॉट कार्व्ड इन स्टोन, यू कैन ऑल्सो डिराइव देम, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू रिमेंबर देम लाइक दैट, कि लेस देन इक्वल्स टू आर है तो 1 माइनस क्यू पावर आर, और ग्रेटर देन आर है तो q पावर आर। ओके, व्हाट आई एम टेकिंग यू टू फर्स्ट इज दिस, ताकि आपको जो है वो समझ जाए कि ये आर क्या चीज होती है। अब मैं यहाँ पे दोबारा से ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहले मैं सारे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ऊपर। ताकि मुझे भी याद रहे। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करना है, एक में लेस देन और इक्वल्स टू और एक में सिर्फ ग्रेटर देन है। ओके, ये कहते जाए कि प्लेइंग अ बोर्ड गेम इन व्हिच ही नीड्स टू थ्रो अ सिक्स विद एन ऑर्डिनरी डाई इन ऑर्डर टू स्टार्ट द गेम, यानी वो लूडो खेल रहे हैं भाई। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 अटेम्प्ट्स आर नीडेड टू ऑब्टेन अ सिक्स, सही है। तो ये जो आर होता है ये टेक्निकली क्या होता है, दिस इज द लास्ट गेम या लास्ट ट्रायल दैट यू वांट टू टेक इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। क्या आप कह रहे हैं कि मैं 3 दफा फेल हो जाऊं और चौथी टर्न में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू पावर 4 माइनस 1 एंड पी पावर 1 इंटू पी पावर 1। ओके, डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे पी 1/6 होगा, क्यू जो होगा वो 5/6 होगा, सही है। तो ये हो जाएगा 5/6 पावर 3 इंटू 1/6 पावर 1, सही है। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, बाहर से कर देता, सॉरी। अच्छा, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का मतलब होता है कि भाई मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन सब निकालनी है, चाहिए। दे गो अप टू इंफिनिटी। सो व्हाट आई कुड डू इज आई कुड से कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब होगा सिर्फ 1। मैंने आपको ये पहले भी बात बताई कि इसमें 0 इसलिए नहीं होता बिकॉज यू कैन नॉट हैव 0 ट्रायल्स, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल ऑन 0 ट्रायल्स। तो आर जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को डिपिक्ट कर रहा होता है, सही है। इट्स नो लॉन्गर एन, इट्स द नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 विच इज q पावर 1 माइनस 1 एंड p पावर 1, सही है। मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस 5/6 पावर 1 माइनस 1 एंड 1/6 पावर 1। सो ये कितना बन गया, 5/6 बन गया, सही है। अच्छा, अब ये आपको नजर आया कि जो बाइनोमियल वाले आइडिया से इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हम कर सकते हैं, बट आई टोल्ड यू टू अदर फॉर्मूलाज, हाउ डू आई यूज देम। अब मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 का टेक्निकली मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। Can I say that? Yes, क्योंकि ये discrete random variable है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि ये discrete random variable है। आगे greater than one कहता हूँ तो भी 2, 3, 4, 5 से counting start करोगे। Greater than or equals to 2 कहता हूँ तो भी 2, 3, 4, 5 से count करोगे। So they are technically the same idea.
since they are discrete random variables, मुझे सिर्फ all numbers देने हैं. Had this been a normal distribution, तो ये अलग बात होती क्योंकि वो continuous variables होता है. Okay? So probability of x greater than 1 अगर निकालनी है तो किस तरह निकालूंगा, ये मुझे formula नया वाला पता है. क्या मैं कह सकता हूँ कि this is simply 5 over 6 power 1. Do I get the same answer from here? Yes, sir. Okay, so I have to learn how to use these formulas if I want to speed up my calculations. मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ एक भी याद है तो भी सारा मसला हल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सही है, बट अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा आपको. ओके, पार्ट सी. ही इज सक्सेसफुल इन थ्रोइंग अ सिक्स इन थ्री और फ्यूअर अटेम्प्ट्स, सो लेस देन और इक्वल्स टू थ्री. तो मैं वैसे टेक्निकली क्या कर सकता हूँ, मुझे ये दो अलग फॉर्मूलाज नहीं याद, तो मैं आपको इस केस में क्या कहता, मैं कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, 2 and 3. फिर से जीरो नहीं आएगा बिकॉज यू कैन नॉट हैव जीरो ट्रायल्स. आर इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन दिस केस दैट यू आर सक्सेस दैट यू डू इन ऑर्डर टू गेट योर फर्स्ट सक्सेस. सही है, आर का मतलब ये होता है. I don't know, there's some glitch that gets the eraser selected automatically. Okay. Okay, probability of 1, 2, 3. Yeah, to main ye kar sakta tha. Yahan par main kya kar sakta tha? What else could I have done? 1 minus q r. 1 minus q power r bhi direct formula use kar sakta. Main keh sakta hun, direct formula use ho jayega. 1 minus q power r. सही है, अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ रही है तो एक फॉर्मूला जो है वो दूसरे फॉर्मूला से डिराइव हुआ होगा. कोई मुझे आंसर बताएगा तो मुझे पता चलेगा. व्हाट्स 216 माइनस 125? सर डेसिमल में बताऊं, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन फ्रैक्शन 91 अपॉन 260. सही है, he needs more than 3 attempts to obtain a 6. He needs more than 3 attempts to obtain a 6. More than 3. तो मैंने कहा more than 3, क्या मुझे greater than का formula directly पता है? हाँ पता है, तो मैं direct लिख देता हूँ. सही है, सो ऑल थ्री फॉर्मूलाज वेरी रेलेवेंट. दिस वन इज इन योर फॉर्मूला शीट, द अदर टू आर नॉट. ओके, बाकी दो फॉर्मूला शीट में नहीं है. ओके okay? अच्छा, अब मैं पहले आपको यहां पे ले जाता हूं. अच्छा एक मिनट, मैं इधर अपनी लोकेशन चेंज करूँ बिकॉज आई थिंक मेरा ये स्क्रीन जो हो रही है वो लैग हो रही है बिकॉज लेसर सिग्नल्स. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई होप बस 30th से स्कूल खुल जाए इंशाल्लाह. Okay, so now I have basic some questions and वो सब notation के ऊपर है, वो situations में नहीं है. पहले मैंने आपको एक situation वाला करा दिया. सही है, ये कहता है कि if
दिस फॉलोज द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मुझे पता है किसकी वैल्यू है, ये पी की वैल्यू है, सही है. प्रोफाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू 3, यानी तीसरे ट्रायल में आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा 0.6 पावर 3 माइनस 1 इंटू 0.4 पावर 1, सही है. ये तो सिंपल सी बात थी. लेस देन और इक्वल्स टू 5, अगेन मैंने आपसे कहा कि प्रोबेबिलिटी 0.8 है, मुझे लेस देन और इक्वल्स टू 5 का डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, 1 माइनस क्यू पावर आर. ये हो गया, ओके, नथिंग टेक्निकल अबाउट इट. अभी हमने पढ़ लिया फॉर्मूला, तो आसान लग रहा है हमें. अब ये देख लेते हैं जरा सा, सही है. दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ये भी सिंपल सी बात है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4, क्या हमारे पास ग्रेटर देन का फॉर्मूला होता है? ग्रेटर देन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? होता है सर, क्यू आर. ओके, 6. अच्छा, यहाँ पे आके बहुत सारे लोग परेशान होते हैं. हाँ, यहाँ पे क्या करो, ये क्या चीज है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. एक्सेलेंट अहमद, फिर इसके बाद तुम मुझे बताओगे क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं. क्या सर? सॉरी, मैं सुना, मैं कह रहा हूँ इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कंडीशनल को. सर ए एंड बी होता है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं हम बी से, तो इससे प्रोबेबिलिटी नीचे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है और ऊपर ए एंड बी आता है, ऐसा ही होता है जी. सही है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. ओके, अच्छा जाजिब, ये जो तुमने लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर एवरीथिंग. एंड का मतलब हर जगह मल्टीप्लाई नहीं होता. अगर तुमने यहाँ पे अगर ये काम किया ना, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी, सही है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस आइडिया कि भाई ये दिस एंड ऑलवेज मीन मल्टीप्लाई. It means multiply when you're drawing a tree diagram, but it doesn't always mean multiply when you have these situations. सही है. अच्छा, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि जब मैं conditional probability भी पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमेशा पहले denominator को decide करें ना. Denominator decide करने का मतलब क्या है कि आपने लिखा probability of x greater than 4. सही है. अब ग्रेटर देन 4 का, अब मुझे पता है आपने ऊपर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ आई वर टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, सिंस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, तो मैं क्या कहता है कि अगर ग्रेटर देन 4 है तो किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहिए, इन सारों की? 5 से लेके इंफिनिटी तक. 5 से लेके इंफिनिटी तक. मैं हमेशा कंडीशनल में क्या कहता हूँ कि भाई कंडीशनल एक्चुअली होती क्या है, कि आपने डिनोमिनेटर में जो सारी पॉसिबिलिटीज रखी होती हैं, उन्हीं में से कुछ 1, 2, 3 जितनी भी होती हैं, वो न्यूमरेटर में आ जाती हैं. तो अब इसके न्यूमरेटर में मैं कौन सी पॉसिबिलिटी चाह रहा हूँ? मैं पॉसिबिलिटी चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6 की. तो इसके न्यूमरेटर में सिर्फ क्या आ जाना चाहिए? इसके न्यूमरेटर में सिर्फ ये आ जाना चाहिए. और नीचे मुझे पता है 5, 6, 7, 8, 9 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कि मैं जो है वो इस तरह कैलकुलेट कर दूं. ओके,
Does that make sense? कि जो डिनोमिनेटर में पॉसिबिलिटीज आई उन्हीं में से कुछ जो है वो न्यूमरेटर में आ गई. इस केस में एक थी, कभी दो भी हो सकती है कभी तीन भी हो सकती है. न्यूमरेटर में सिर्फ x = 6 आएगा. यस क्यों? क्योंकि देखो उजैर बेटा, कंडीशनल का मतलब क्या होता है? कंडीशनल का मतलब होता है कि आपने टोटल आउटकम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अब आप अपने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हो. मैंने कहा कि मैं जो है वो अपने आउटकम्स को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ. मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि भाई अब लेट्स से ये डाइस नहीं है, ये कोई और चीज है जिसमें इन्फिनिट नंबर आते हैं. मैंने कहा कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि नीचे जो है वो मेरा नंबर जो है वो 4 से बड़ा ही आएगा. आप मुझे बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा नंबर 6 आएगा फॉर एग्जांपल. सही है? तो न्यूमरेटर में जो होगा मैं 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ और डिनोमिनेटर में जो है वो मैं गारंटीड आपको कह रहा हूँ कि कितने ही आउटकम्स है मेरे पास. दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जांपल एंड इट्स नॉट टेक्निकली करेक्ट एज वेल, बट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि भाई जब कंडीशनल सोचते हैं ना तो हम सोचते हैं कि डिनोमिनेटर में हमने रिस्ट्रिक्टेड आउटकम्स क्या रखे हैं, उन्हीं में से कोई आउटकम जो है वो न्यूमिरेटर में आ जाते हैं. मुझे बताओ कि अगर डिनोमिनेटर में तुम ये सारे आउटकम्स कैलकुलेट कर रहे होते फॉर एग्जाम्पल उजैर, तो तुम कहते प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 अप टिल इन्फिनिटी, दैट्स व्हाट यू डन. तुमने ये 6 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली होती? तुमने ऐसे ही निकाली होती तो यही वाली प्रोबेबिलिटीज होगी ना, वो न्यूमिरेटर में आ जाएगी. दैट इज हाउ कंडीशनल इज टेक्निकली सपोज टू वर्क. बट हम वो काफी गियर्ड हैं टूवर्ड्स रोट लर्निंग, तो हम याद रखा हुआ हमने कि एंड जरूर करना होता है. एंड का ये मतलब नहीं होता कि आप हमेशा जाके मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज टेक्निकली एंड एज वेल, कि मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि मेरा 6 आ रहा है, सही है, तो टेक्निकली वो ग्रेटर देन 4 हो चुका है ना ऑलरेडी. 6 का मतलब ऑलरेडी होता है ना ग्रेटर देन 4, तो मुझे दोबारा से 4 की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत नहीं है. आई डोंट हैव टू ब्रिंग इन कि भाई उसने नाश्ता, वो ट्री डायग्राम में होता है कि भाई शी इज गोइंग टू हर ऑफिस, शी ईट्स टोस्ट एंड देन शी पुट्स जैम ऑन इट, सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. वो तब होता है कि जब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. Can you tell me if you're getting an answer less than 1 in this case? Ji sir, 0.24 aa raha hai. Aa raha hai na sahi? 6/25. Do we all understand this idea? To ye thoda apni understanding ko apna modify kare. I know that even when I teach conditional probability and then I come to this, there is this constant confusion because you have conditional probability किसी एक तरीके से करने के आदि होते हैं. सही है? Have I cleared out the doubts? मतलब सर कि like अगर numerator से होगा वो denominator की condition fulfill कर रहा होगा, so there is no need to put and. Absolutely, absolutely. If I were to put this in your terms, yes, that's what. और न्यूमरेटर में ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर की कंडीशन मीट हुई हुई है. ओके सर, ठीक है सर. किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बताओ. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बिकॉज देखें जब ये अभी सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें मैंने अभी तक आई डोंट थिंक जो 3-4 पेपर जो भी हुए हैं वेरियंट को मिला के, आई डोंट थिंक आई हैव सीन अ क्वेश्चन दैट हैज geometric in isolation. It's either with binomial or with conditional or with something else. Okay? So ye sare book ke hi sawal hai aise. Chalo karte hain. You get that in a particular country, 18% of people wear contact lenses. Adults are randomly selected and interviewed one at a time. Find the probability that the first adult who wears contact lenses is one of the 15 interviewed. So, kya matlab hai? How would you translate this? X is less than equal to 15. So, yeah, less than or equals to 15. Less than or equals to 15. Hume nikalna aata hai. -2
Not one of the first nine interviewed. तो मैं क्या कहूंगा? X is greater than nine. Greater than nine कहूंगा. सही है, सिंपल इनफ. फॉर्मूलाज याद रखने की गेम है इधर. फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो काफी कंफ्यूज हो गए. सही है. ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज फॉल्टी इज 0.08. सही है. अब अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं क्लियरली यहाँ पे भी बता दूँ, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए भी रेलिवेंट होती है. आगे ये पूछ रहा है, इन अ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आइटम्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन, इट इज अस्यूम्ड दैट क्वालिटी ऑफ एन आइटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ अदर आइटम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट फॉल्टी आइटम. अब बहुत सारे लोग जो है ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पहली लाइन पढ़ के. वो कहते हैं फॉल्टी में सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते, चलो उसको चेंज कर देते हैं. बट वंस यू डू दैट यू एंटायरली मेस्ड अप द क्वेश्चन, बिकॉज उसके आगे वाले पार्ट्स जो है वो फिर आपसे हैंडल नहीं होंगे. तो क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि उसी फॉल्टी आइटम ढूंढने, तो आप फॉल्टी में सक्सेसफुल हैं. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपका काम जो है वो गलत हो रहा है. सही है. मे बी यू आर अ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इन दिस केस एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द फॉल्टी पेंस. अगर आप फॉल्टी ढूंढ लेते हैं तो आप अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि आपने ये चीज कभी भी चेंज नहीं करनी, आपने फॉल्टी को नॉट फॉल्टी खुद से बना दिया. ओके, पहला कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट फॉल्टी आइटम डज नॉट अकर इन द फर्स्ट सिक्स सिलेक्टेड, कि पहले सिक्स में आपको कोई फॉल्टी आइटम ना मिले, यानी ग्रेटर देन सिक्स में मिले. ग्रेटर देन सिक्स में मिलेगा तो क्यू पावर आर होगा. ओके, अकर्स इन फ्यूअर देन फाइव सिलेक्शन. Fewer than five. क्या मुझे fewer than five calculate करना आता है? जी सर, p x is greater less than equals to four हो जाएगा. Less than or equals to four हो जाएगा. Excellent. क्योंकि मुझे less than or equals to की पता होती है तो मैंने उसको change कर दिया. सही है. किसी को कोई confusion तो नहीं हो रही? हो रही है तो please बताओ. This is a revision class. I want you to be good at this topic. There is to be at least 90% chance of picking a faulty item on or before the nth attempt. On or before the nth attempt. So I'm talking about probability of x less than or equals to n. There is to be at least a 90% chance. Kaise translate karo usko? Is equals to 9 upon 10. Yeah, 90 upon 100. Equals to. कितने बोला मुझे तुम्हारा माइक नहीं नजर आया, कौन था? सर मैं था, जाजिद. ओके जाजिद. ओके 90%. सही है. तो ये ट्रांसलेट करना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है. अहमद क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो अगर तुम इक्वल्स टू लगा देते ना तो हो सकता है तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो थोड़ा सा मैसअप होता. सही है, मैं अभी दिखाता हूँ क्यों. अच्छा, अब आपने क्योंकि लोगैरिथम्स पढ़ लिया है तो अब मुझे वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे थोड़ा सा लोगैरिथम्स आएगा. लेस देन और इक्वल्स टू एन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है? हमें पता है कि 1 माइनस क्यू पावर आर से निकलती है. यहाँ पे 1 माइनस क्यू पावर एन हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा. शफल अराउंड करूं, मैंने अभी सिर्फ साइड्स चेंज किए हैं, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया अभी, तो इनइक्वालिटी को मैंने चेंज नहीं किया. अब क्या होगा, जब मुझे इसको सॉल्व करना होगा तो आई विल टेक एन ln ऑन बोथ साइड्स. व्हेन आई टेक एन ln ऑन बोथ साइड्स व्हाट डू आई नो? कि बोथ ऑफ दीज आर लेस देन वन वाले नंबर्स, तो दोनों नेगेटिव आ रहे होंगे, तो ये इनइक्वालिटी जो है वो टेक्निकली फ्लिप हो जानी चाहिए. मैं वो दिखाने के लिए आपको दोबारा से कैलकुलेट कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि
और एन आर सही है। अब ये जब नेगेटिव साइंस आपस में कैंसिल भी होती हैं ऑपोजिट साइड्स पे, या मैं मूव करूंगा, मूव कर लेता हूँ, इट्स इजी टू एक्सप्लेन। सही, ये फ्लिप होनी चाहिए। चेक करेंगे मेरा आंसर 27.6। भाई n is greater than or equals to 27.6 तो कितना होना चाहिए, n should be equals to 28 क्योंकि हम discrete variables की बात कर रहे हैं। सही है कि 28 दफा आपने सेलेक्ट करना है, if you want you there is going to be a 90% chance that you are successful on the 28th pen that you select, कि 28th वाले पे आपको मिल ही चुका होगा। Okay, so Ahmed, do you see how you could be confused when giving my be the final answer? You would have gotten 27.6. So ab tum fir soch rahe hote round up karu, round down karu, kya karna chahiye mujhe? Okay, so the inequality is very important. Geometric distribution mein se mean ka formula hota hai, and the mean formula is that the expectation of a geometric distribution is 1/p. Sahi? Acha, ye bhi likha hua tha formula sheet mein. अच्छा सॉरी, फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ था, यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट दैट। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ एक्सपेक्टेशन आप निकालें तो 1/0.8 आप निकालेंगे। सही है, 1/0.8 कितना होता है कोई मुझे बता देगा? 5/4 1.2। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1.25 निकालें, तो लेस देन 1.25 कैसे निकालेंगे आप मुझे क्या बताएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालनी चाहिए बस। सही है, तो ये हो जाएगा 0.2 power 1 - 1। सही है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फॉर्मूला गिवन होता है फॉर्मूला शीट में, तो वो एक्सपेक्टेशन पे तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। व्हाई डोंट यू ट्राई दिस आउट, इसमें ये लीस्ट इंटीजर एन वाला ट्राई करना, ट्राई करेंगे। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 कैसे निकलेगी? लेस देन 1 तो 0 होता है। लेस देन 1 नहीं निकालनी, लेस देन 1.25 निकालनी है। Just give me 5 minutes. Greater than 4, greater than 4 का formula में directly पता होता है? Q power R? Whatever that answer is, part C, the largest integer n. So here, yeah, first the sign flip ho jayegi.
n is greater than 16.00 आ रहा है ना, तो 17 नहीं होना चाहिए? नहीं सर, वो नेगेटिव नंबर थे ना, तो हमारा पहले भी साइन फ्लिप होगा, फिर डिवाइड के वक्त भी होगा। नहीं, एक ही दफा फ्लिप होगा, दो दफा क्यों फ्लिप होगा? तुमने माइनस कैंसिल किया कि? एक मिनट सर, मैंने उसमें उसमें डाल के देखी था, इक्वेशन में डाल के देखी। दो दफा फ्लिप नहीं होता, एक दफा फ्लिप होता है बस। या तो तुम माइनस कैंसिल करते हुए फ्लिप कर दो, या फिर तुम डिवाइड करते हुए फ्लिप कर दो। नहीं नहीं सर, 17 होगा। यस सर, माय मेरी मिस्टेक है। सही है। ओके, ये कहता है कार्मेन वांट्स टू टेक अ टैक्सी व्हेयर शी इज 5% ऑफ द व्हीकल्स आर टैक्सीज। X is the number of vehicles that she sees up to and including when she sees a taxi. On average, how many vehicles will she see up to and including when she sees a taxi? Average पूछ रहा हूँ तो मैं, expectation पूछ रहा हूँ, तो 20 आ जाएगा. Calculate the probability that she will see a taxi in the first 5 vehicles. तो मैं किसकी probability निकालने को कह रहा हूँ? X is less than or equals to 5. तो ये बन जाएगा 1 - 0.95 / 5. Okay. Calculate the probability that she's still waiting to see a taxi after she has seen the first 30 vehicles. So x is greater than 30. So even like a q power r. Or part D mein kehta hai evaluate the mode of x. So yeah. Acha mode kya hota hai? Mode of a geometric distribution. Is always, ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा हुआ है, the mode of any geometric distribution is always 1. So ये the mode of any geometric distribution, कोई भी geometric distribution उसका mode कितना होना चाहिए? 1. Mode का मतलब क्या होता है? ऐसा number जिसकी highest probability हो. Okay. Clear? क्वेश्चन 1 क्यों होगा? जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, 1 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। सवाल के रिस्पेक्ट से कैसे समझेंगे हम? तो इवैल्यूएट द मोड ऑफ एक्स। सवाल के रिस्पेक्ट से कैसे समझोगे? सही, दैट्स सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अब देखो, 5% आर टैक्सीज, राइट? सही जी। तो अगर मैं तुम्हें 1 की प्रोबेबिलिटी निकालने को कहूं तो वो हो जाएगी 0.05, यू अंडरस्टैंड दैट? यस। बट अगर तुम अगली टर्न पे चले जाओगे, यू विल एंड अप मल्टीप्लाइंग बाय समथिंग, राइट? एंड दैट समथिंग विल ऑलवेज बी लेस देन 1. इफ यू मल्टीप्लाई 0.05 बाय समथिंग लेस देन 1, द नंबर इज गोइंग टू बिकम स्मॉलर। यस। ओके, नाउ when you're talking about a practical context, it's difficult to explain. हाँ, मेरे लिए ये अभी imagine करना मुश्किल है कि मैं क्यों तुम्हें कह रहा हूँ कि पहली गाड़ी को taxi होने की probability जो है वो सबसे ज़्यादा है। It's difficult to explain it that way. Okay. क्योंकि वो turns combine होती जा रही है ना। The more trials that you are taking, you're sort of accumulating probability, and those probabilities are all less than 1. So yeah, Uzair, hamesha 1 hota hai, kyunki 1 ki highest probability hoti hai. Acha, ye ek important cheez hai ki bhai kab kis cheez ko jo hai wo geometric distribution se model kar sakte hain ya nahi kar sakte hain, aur ye past paper mein bhi recent wale questions mein sawal bhi aaya. So yeah, and this is a very good question to explain that. He says, Anya makes repeated attempts to thread a needle. The number of attempts up to and including the first attempt, first success is denoted by X. He said that state two conditions necessary for X to have a geometric distribution. What conditions necessary are necessary? Trials. Infinite number of trials. Infinite number of trials.
कंडीशन नहीं होती, इट्स सॉर्ट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दैट कि भाई ट्रायल्स जो होंगे वो इनफिनिट नंबर के होंगे. ओके कंडीशन दो आउटकम दो दो आउटकम्स हो सकते हैं, सक्सेस हो सकता है या फेलियर हो सकता है. चलो एक बात हो गई, व्हाट एल्स? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो जब तक ट्रायल नहीं हो सकता, तो जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक हम क्या नाम है आउटकम डिफाइन कर सकते. अच्छा इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट कि भाई इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होने चाहिए. कैन यू स्टेट अ थर्ड कंडीशन? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, वो वाला पॉइंट. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन अ इन अ इन अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ये भाई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम रहनी चाहिए, व्हिच इज आल्सो ट्रू ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो आपने मुझे सक्सेस और फेलियर वाली बात बताई ना कि दो ही आउटकम्स होने चाहिए, ये तो बेसिक सा आइडिया होता है कि भाई अगर कोई चीज, वो बर्नौली ट्रायल्स होते हैं, दैट्स समथिंग कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स सच देयर. बट यहाँ पे अगर मैं दो कंडीशन आपको लिख के बताऊँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर दैट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट. And probability of success is constant. Okay. Okay. So assuming that X has a distribution, this find the probability that she needs more than 3 attempts before she threads the needle. Okay. So just a reason why one of the conditions you gave in part A might not be satisfied in this context. ये बताएं. क्यों नहीं सर? शायद probability of success constant now. क्यों? नहीं सर, क्या नाम है? हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ट्रायल्स हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो, कि उनको ऐड करना है ना ग्रेटर देन 3 में. हाउ डस दैट नॉट मेक इट इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट का मतलब ऐसे डिफरेंट होता है ना. इंडिपेंडेंट का मतलब इंग्लिश वाला नहीं होता यहाँ पे. अच्छा, मतलब वो डिपेंड करते हैं. हाँ, तो चैट में किसी ने कुछ लिखा है? तुम चैट में लिख रहे हो तो आधा टाइम वो खुली हुई नहीं आती. बट क्या हो सकते है भाई जाजिर, तुम क्यों, वो सॉरी उजैर, तुम क्यों कह रहे थे कि सक्सेस कांस्टेंट नहीं होगा? तो सर ये हो सकता है ना कि वो जितनी दफा नीडल सेट करती है उसका रेट डिफर कर सकता है ना, उस हिसाब से कह रहा था. क्यों 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 डिफर कर सकता है? कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट? सर जैसे उसने एक दफा थ्रेड किया. अच्छा नहीं, बल्कि नहीं, वो अहमद तुमने क्या कहा? अहमद तुमने क्या कहा? सर उसकी भी तो गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है. हां, शी गेन्स एक्सपीरियंस, शी लर्न्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, राइट? तो उसको ट्रिक आ जाती है कि मैं आपसे कहूँ कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं एंड यू वांट टू टेक अ शॉट एंड सी इफ यू थ्रो इट इन द बास्केट, यू गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम. सो आई कांट से दैट शूटिंग बास्केटबॉल हूप्स इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? आई वुडंट से दैट बिकॉज व्हाई यू आर गेटिंग बेटर विद ईच ट्रायल. सो दिस इज नॉट दिस condition might not be met ke probability of success increases with each trial. She's getting better. That's how people learn, right? So this is not supposed to be a geometric distribution then. Agar aapko kisi cheez ki trick aa jati hai to aap jaldi se kar sakte hain. Right? Does that make sense? So ऐसे क्वेश्चंस भी आपने आंसर करने होंगे. ओके, वन ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस हैज अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन 0.7. स्टेट विद अ रीजन व्हिच वेरिएबल इट इज.
वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स है क्यों? क्योंकि उसकी क्या नाम है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। हां सही है, 1 की ज्यादा है, 1 इज द मोड, 0 एब्सेंट है, सही है ये सारी बातें। तो ये 0 की वजह से कैंसिल हो जाती है। ये जो होती है ना, देयर इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन इन मैथ कॉल्ड अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म है। ओके सही है जी, चैप्टर खत्म। सही है, समझ आया सबको? एक क्वेश्चन दे दीजिएगा, क्वेश्चन भेज दें। हाँ तुम लोगों के पास मेरी S1 की बुक नहीं है ना?